अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। व्यूअर्स, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको पाकिस्तान की शानदार और तारीखी फतह पर एक मरतबा फिर बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि फतह इतनी यादगार और अजीम है जिसे शायद सालों तक नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि बाज फतुहात इतनी बड़ी होती हैं जिनको याद करना, इनके मुतालिक बात करना अपने आप में एक बेहतरीन अमल है। 18 जून 2017 की फतह भी कुछ ऐसी ही फतह थी, क्योंकि इस दिन सब्ज जर्सी पहनकर शाहीनों ने अपने रवायती हरीफों पर कुछ ऐसा जोरदार वार किया जिसकी आवाज हजारों किलोमीटर दूर बरेसगीर के सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क में भी सुनाई दी। दोस्तों, पाकिस्तान की यह तारीखी फतह सिर्फ और सिर्फ टीम स्पिरिट का नतीजा थी। पहली दफा ऐसा लगा कि टीम में ना कोई इख्तलाफ है ना कोई ग्रुपिंग, हर प्लेयर ने सर तोड़ कोशिश की, मगर इस यादगार टूर्नामेंट के दौरान चंद लड़कों की परफॉर्मेंस को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। इनमें पाकिस्तान के सुपरस्टार फास्ट बॉलर हसन अली का नाम काबिले जिक्र है। आज की वीडियो में हम नाकाबिले यकीन परफॉर्मेंस देने वाले पाकिस्तान के पेसर हसन अली को खराज तहसीन पेश करने के लिए इनकी जिंदगी पर एक छोटी सी बायोग्राफी लेकर हाजिर हुए हैं, जो यकीन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगी, क्योंकि फखर जमान की तरह हसन अली की शानदार परफॉर्मेंस भी मुद्दतों याद रखी जाएगी। इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में जिस कदर तूफानी स्पेल्स करवाए वो बड़े बड़े बैट्समैनों के लिए इंतहाई तकलीफ और मुश्किलात का बायस बने। इनकी नपी तुली बॉलिंग और तेज बॉलिंग के आगे कोई भी बैट्समैन टिक नहीं पाया, और इसी मेहनत और लगन की बदौलत वो प्लेयर ऑफ द सीरीज भी करार पाए। व्यूअर्स, मायनास फास्ट बॉलर हसन अली 7 फरवरी 1994 को पंजाब के शहर मंडी बहाउद्दीन में पैदा हुए, मगर इनकी मौजूदा रिहायश इस वक्त पंजाब के शहर गुजरांवाला में है। ये गुजरांवाला के नवाही इलाके लड्डेवाला वड़ाइच में रिहायश पजीर है। इनका सारा बचपन लड्डेवाला वड़ाइच या गुजरांवाला में ही गुजरा। हसन अली को भी दीगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तरह पढ़ाई से ज्यादा क्रिकेट में दिलचस्पी थी। ये अपने इलाके की लोकल टीम के साथ क्रिकेट खेलते थे। इन्होंने भी अपनी क्रिकेट का बाकायदा आगाज सीमेंटेड पिचेस पर खेलते हुए किया। ये पहले टेप बॉल से क्रिकेट खेलते थे, बाद में इन्होंने हार्ड बॉल से क्रिकेट खेलने का आगाज किया। इन्होंने अपने क्रिकेट का आगाज लड्डेवाला वड़ाइच के गली मोहल्लों से किया। ये मुसलसल कई साल तक सीमेंटेड विकेट पर और मड विकेट पर बॉलिंग करते रहे। व्यूअर्स, हसन अली से जब पूछा गया कि आपने क्रिकेट क्यों शुरू की और बॉलर किसकी तरफ देखकर बनने का फैसला किया, तो इनका कहना था कि इन्होंने बचपन में पाकिस्तानी स्पीड मर्चेंट वकार यूनुस के इन स्विंग यार्कर्स को देखकर बॉलर बनने का फैसला किया। यूं अगर कहा जाए कि इनका क्रिकेट में आइडियल बुरे वाला एक्सप्रेस वकार यूनुस है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि वकार यूनुस हसन अली समेत दुनिया के कई यंगस्टर्स के आइडियल हैं। व्यूअर्स, लड्डेवाला वड़ाइच में अताउर रहमान अकेडमी चलाने वाले अताउर रहमान ने हसन अली पर सख्त मेहनत की और इनकी बॉलिंग में मजीद निखार पैदा किया। यूं एक दिन अताउर रहमान और हसन अली की मेहनत रंग लाई, वो क्लब क्रिकेट से पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में शिफ्ट हो गए। ये सियालकोट रीजन की जानिब से काफी अरसा तक क्रिकेट खेलते रहे। व्यूअर्स, साल 2016 में होने वाली पीएसएल में पेशावर जलमे की फ्रेंचाइज ने जब हसन अली को $10,000 के एवज खरीदा तो ये बतौर क्रिकेटर और बतौर फास्ट बॉलर इनका पहला कड़ा इम्तिहान था। इन्होंने पीएसएल के पहले एडिशन में पेशावर जलमे की जानिब से खेलते हुए कराची किंग्स के खिलाफ अपना डेब्यू किया और पीएसएल के पहले ही एडिशन में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 11 मैचेस में से 12 विकेट लेते हुए टीम के दूसरे टॉप विकेट टेकिंग बॉलर करार पाए। यहां से हसन अली की किस्मत का दरवाजा खुल गया। व्यूअर्स, पीएसएल में शानदार कारकर्दगी के बाद इनके बारे में वसीम अकरम जैसे शोहरा आफाक क्रिकेटर ने पेशगोई की थी कि मुस्तकबिल में ये लड़का पाकिस्तान के लिए कुछ खास कर सकता है। अगस्त 2016 में इंग्लैंड और आयरलैंड का दौरा करने वाली पाकिस्तानी टीम का जब ऐलान किया गया तो उस लिस्ट में पेसर हसन अली का नाम भी शामिल था। इनको 18 अगस्त 2016 में आयरलैंड के खिलाफ ओडीआई मैच में डेब्यू करवाया गया। इसके बाद इनका टी20 डेब्यू भी 7 दिसंबर 2016 को इंग्लैंड ही के खिलाफ करवाया गया। यूं हसन अली को सिर्फ एक माह में वनडे और टी20 दोनों कैप्स मिल गई। ये मुख्तलिफ मौकों पर पाकिस्तान के लिए शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते रहे हैं और साल 2017 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के खिलाफ ओडीआई मैचेस में 5-5 विकेट भी हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा ये वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना वाहिद टेस्ट मैच भी खेल चुके हैं। व्यूअर्स, हसन अली बिलाशुबा पाकिस्तान का अजीम सरमाया है। इनकी चैंपियंस ट्रॉफी में कारकर्दगी एक तरफ और पूरे कैरियर की कारकर्दगी एक तरफ है। पूरे टूर्नामेंट में कोई भी बैट्समैन खुलकर हसन अली को शॉट्स नहीं मार सका। हसन अली ने आईसीसी के इस बड़े इवेंट में सिर्फ 5 मैचेस में शानदार 13 विकेट लेकर पाकिस्तान की जीत में कलीदी किरदार अदा किया। इनकी बॉलिंग और इनकी पेस को देखकर बड़े बड़े क्रिकेटर्स दंग रह गए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में हसन अली मिडल ओवर्स में ही बॉलिंग करवाने के लिए आते रहे। मिडल ओवर्स में किसी भी फास्ट बॉलर के लिए बॉलिंग करना नहायत मुश्किल काम होता है, क्योंकि इस वक्त मुखालिफ टीम का मजबूत मिडल ऑर्डर क्रीज पर मौजूद होता है।
मगर हसन अली ने दुनिया के किसी भी मिडल ऑर्डर की परवाह नहीं की और मुखालफीन की सफों में घुसते चले गए। हसन अली बिलाशुबा पाकिस्तान का एक अजीम सरमाया है, सारे पाकिस्तान को इस पर फख्र है और यकीन है कि हसन अली मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान की कामयाबियों में अपना हिस्सा डालते रहेंगे। आखिर में मेरी तरफ से एक दफा फिर पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को दिल की अथाह गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे पिछली वीडियो में हिंदुस्तान के कुछ लोगों ने हमें बहुत सी गालियों से नवाजा था, मगर हम गाली का जवाब गाली से नहीं देते बल्कि हम मैदान में देते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान टीम पाइंदाबाद। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक करके और राय का इजहार कमेंट करके कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतजार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।